नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। कुछ दिन पहले मैं इनसे मिली थी। इनके जो भी इनकी समस्या थी, इनकी प्रॉब्लम्स थी, ये दिव्यांग है, इनके साथ मैं मिली थी, ये हैंडीकैप्ड है। आज फिर मैं इनसे मिलने आई हूँ, इनसे बात करती हूँ कि इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। मेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता नहीं चल पा रहा है, निकल ही नहीं रहा है। मैं आज मेरा पांचवा दिन है धरना पर बैठा हुआ हूँ 5 दिन से, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और एक दिव्यांग के साथ इस तरह की सरकार की लापरवाही, ये सरकार को सोचना चाहिए कि इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, 1 साल पढ़ाया हूँ और कुछ भी नहीं मिल पाया। मेरा जितना बनता था कम से कम उतना तो मिलना चाहिए, और मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से भी हटा दिया गया है। सरकार को तुरंत ये संज्ञान में लेना चाहिए कि इनकी समस्या का निदान किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। और मेरे साथ बहुत समस्याएं हैं, ये चीज़ समझना चाहिए सरकार को, महामहिम को। उनके कान तक आज तक आवाज़ नहीं पहुंच पाया, मुझसे किसी कोई भी पदाधिकारी भेंट करने नहीं आए हैं। उनको ये चीज़ समझना चाहिए और तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मुझे तुरंत न्याय दिया जाए। आपके साथ कोई समर्थन नहीं आया? नहीं, मैं अकेले आया हूँ। मेरे साथ समस्या बहुत ज़्यादा है, मैं अकेले हूँ। अकेले धरना देने से या आवाज़ उठाने से क्या आपको लगता है सरकार सुनेगी? मुझे उम्मीद है कि जरूर सुना जाएगा, क्योंकि मेरा मांग वाजिब मांग है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, उतने बड़े संस्थान में पढ़ाया हूँ, और मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ, 70% दिव्यांग हूँ। तो इसमें तो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मांग सुनी जाएगी, आपकी मांग को पूरी कर दी जाएगी? तो जहाँ योग 1932 को लेकर बैठे थे पंचायत चुनाव को, या फिर पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे थे कई दिनों तक, उनकी मांगे नहीं पूरी की गई, तो आपको क्या लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है कि आपकी मांगे पूरी कर दी जाएगी? मेरा मांग वाजिब है, और एक दिव्यांग के साथ कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। मैं क्वालिफाइड आदमी हूँ, मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ पैसा मुझे नहीं मिला, और मुझे वर्गाध्यापन के कार्य से बेरहमी से हटा दिया गया। जब मैं अनशन किया तो मुझे घसीट के बाहर निकाल दिया गया, ये तो बहुत ही गलत हुआ है मेरे साथ। ये संज्ञान में लाना चाहिए सरकार को। जैसा कि आपने सुना कि 1 साल से ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं और इनको पैसा नहीं मिला है, अभी तक 1 रुपये भी नहीं दिया गया है, वहीं ये दूसरी तरफ ये बात आती है कि 1932 और पंचायत सचिव अभ्यर्थी और काफ़ी लोग यहाँ पर धरना पर बैठे, जब उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो अब तो ये देखने वाली बात है कि ये जो दिव्यांग, ये जो अकेले धरना पर बैठ गए हैं, तो इनकी मांग को पूरा किया जाता है या नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।